हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया यूनियन है स्टेट्स का, मतलब बहुत सारे स्टेट में यूनियन को फॉर्म किया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कही गई है, यूनियन और सेंट्रल, और स्टेट गवर्नमेंट जो कि बाद में 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। अब जो लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब कि कौन सा वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कौन सा वर्क स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इसे तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिन पर यूनियन गवर्नमेंट खुद लॉज बना सकती है। इसमें आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। स्टेट लिस्ट इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें। इस लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉज बना सकती है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ये सारे क्या हैं, ये कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, इन पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं।